नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त भारत जांगिड। और दोस्तों, आज हमारे पास है हेयर ट्रिमर नोवा कंपनी का दोस्तों, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, बाकी ठीक है। शेविंग वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ट्रिमर आज के टाइम में सभी यूज करते हैं, हर घर में ट्रिमर ज़रूर मिल जाता है, छोटा बड़ा किसी भी टाइप का। तो दोस्तों, ये ट्रिमर है और लगभग 300-400-500 रुपए की रेंज का लगभग ये ट्रिमर होगा। और दोस्तों, ये ट्रिमर बिल्कुल लेते ही 2 दिन बाद इसको बिल्कुल एक फॉल्ट की आवाज़ आने पर कस्टमर ने बोला कि इसको बिल्कुल आप रिपेयर कर सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास ये रिपेयर के लिए आया है, ये डेड है, बिल्कुल बंद है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसे कंप्लीट खोल के चेक करके आपको दिखाऊंगा कि किस टाइप से इसे ठीक करना है। वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें। तो दोस्तों, फर्स्ट में एक बार देखिए, एक बार सीरीज टेस्टिंग लैंप में हम इसको लगाएंगे। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी इसके अंदर सप्लाई आ रही है। यहाँ पे ये देखिए, एक वायर का टुकड़ा लेकर ये देखिए हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है, बिल्कुल 250 वोल्ट इसमें हमारे एसी के आ रहे हैं। तो चलिए प्लग लगाएं इसका। बिल्कुल ये ट्रिमर छोटा ज़रूर है, बाकी इलेक्ट्रिक ट्रिमर है, बिल्कुल अंदर इसमें सर्किट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए, स्विच के नीचे रेड कलर का हल्का सा आप ध्यान से देखेंगे इंडिकेटर है, और ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। ये नीचे की तरफ जो वी टाइप का लगा दिखाई दे रहा है आपको स्विच के नीचे रेड वाला, ये देखिए इंडिकेटर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी इसमें, और मशीन बिल्कुल डेड है। तो दोस्तों, हम इसे मशीन है किस टाइप से खोलना है और कहां कहां पे इसके पेच लगे हुए हैं, किस टाइप से और क्या सावधानी रखनी है, किस टाइप से चेक करना है, दोस्तों ये पूरा मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है, ताकि कोई जानकारी आपसे छूट ना जाए दोस्तों। तो दोस्तों, फर्स्ट में हमें एक स्क्रू ड्राइव लेना है जो कि प्लस वाला होना चाहिए आपका। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट और खोलते हैं ट्रिमर को। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट में जो इसका कटर है उसे खोलेंगे हम यहाँ से, जिसमें मात्र एक पेच लगा हुआ है, काफ़ी आसानी से खुल जाता है दोस्तों। उसके बाद में देखिए दोस्तों, जहाँ से हमने कटर को निकाला है वहाँ पे 2 पेच नज़र आएंगे नीचे की तरफ, ये यहाँ पे, इनको भी हमें दोनों पेचों को खोल लेना है दोस्तों। दोस्तों, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ध्यान रखना है कौन सा पेच कहाँ से खोलना है, वरना आपके इसमें कई बार लॉक होते हैं, लॉक टूट जाते हैं, उसके बाद में मशीन की जो फिटिंग है प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो यहाँ से देखिए, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ से अब खुल नहीं पा रहा है, इसमें कोई हिडन पेच है उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊपर से इसकी जो ये डिस्क शो लगा हुआ है ऊपर से, जिसका मार्के वाली ये पत्ती लगी हुई है एक, इसको निकाल लेना है, काफ़ी आसानी से निकल जाएगा ये चिमटी से। और यहाँ पे देखिए, एक पेच यहाँ पे बिल्कुल इसके नीचे लगा हुआ है, क्योंकि ये बिल्कुल हिडन पेच है इसका, इसको नहीं खोलेंगे जब तक मशीन के जो दोनों पार्ट है बिल्कुल अलग नहीं होंगे, और हम इसे चेक और ठीक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मात्र 3 पेचों पर मशीन रुकी हुई थी, काफ़ी आसानी से बिल्कुल दोनों पार्ट अलग हो चुके हैं। और ये देखिए इसके सभी स्पेयर। तो चलिए हम इसे चेक करेंगे, हो सकता है मेन लीड इसकी ख़राब हो, क्योंकि जो मेन लीड है इसकी काफ़ी हल्की आती है। तो दोस्तों, बाकी कस्टमर ने फॉल्ट के लिए बोला है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें कहीं पे डैमेज दिखाई दे नहीं रहा है, कहीं से कोई इसका जो कंपोनेंट है कोई भी फटा हुआ भी नहीं है, जला हुआ भी नहीं है। तो चलिए एक बार मल्टीमीटर को करेंगे एसी वोल्टेज 600 रेंज पर, और चेक करेंगे वोल्टेज मेन लीड पे, जिससे कंफर्म होगा मेन लीड हमारी ठीक है या नहीं है। तो मेन लीड पर ही हम चेक करेंगे, ये देखिए दोस्तों 250-51 वोल्ट आराम से आ रहे हैं, मेन लीड बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें ये जो 4 लेग वाला आपको दिखाई दे रहा है मीटर के आगे, ये ब्रिज है। तो ब्रिज पे एक साइड में हमारी एसी सप्लाई जाती है, ये देखिए, बाकी इसमें एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जिसके आगे दोस्तों एसी के 8 ही वोल्ट पास हो रहे हैं, और हमारे डीसी वोल्ट चेक करते हैं एक बार, इस पर 6 वोल्ट ही आ रहे हैं, 6 या 7 वोल्ट दोस्तों। तो डीसी वोल्ट हमारे बिल्कुल 350 वोल्ट आने चाहिए, उसके बाद ही मशीन हमारी चालू होगी। तो दोस्तों, चेक करते हैं एक बार इसमें। तो दोस्तों, इसमें ये देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 100 नंबर का, SMD रेजिस्टेंस है दोस्तों, बिल्कुल काफ़ी छोटा सा देख पा रहे हैं, SMD पार्ट्स की पूरी PCB लगी हुई है इसमें। 10 ओम की 2 रेजिस्टेंस हमारे पास है दोस्तों, एक क्वार्टर वाट है, एक हाफ वाट है। तो दोस्तों, हम इसमें क्वार्टर वाट का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मशीन के अंदर ज़्यादा लोड नहीं है, बिल्कुल फ्यूज की तरह ही इस रेजिस्टेंस का यूज़ होता है दोस्तों बिल्कुल।
तो दोस्तों हम इसमें क्वार्टर वाट की जो 10 ओम रेजिस्टेंस है उसका यूज़ करेंगे, क्योंकि लोड ज़्यादा है नहीं। जैसे कि हमारे जो फ्यूज यूज़ करते हैं हम 2 एम्पियर 3 एम्पियर, उसी टाइप से इसको हम यहाँ पर एसी वोल्ट पर, यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लोन हो चुकी है, यहाँ से वोल्टेज पास नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल फ्यूज टाइप की रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये फ्यूज का ही वर्क करती है। तो दोस्तों इसी रेजिस्टेंस के ऊपर हम इसके लैग है जो बिल्कुल यहाँ पे सोल्डरिंग कर देंगे और रेजिस्टेंस को अंदर की तरफ सेट कर देंगे इसके लैग घुमाकर, ये देखिए यहाँ पे इसको, ताकि मशीन हमारी काफ़ी आसानी से बंद हो जाए और इधर उधर हमारी जो इसके लैग हैं टच नहीं हो। तो चलिए इसके बाद में एक बार हम, और दोस्तों टेस्टिंग आपको सीरीज में ही करनी है, वरना आपकी आगे कोई शॉर्टिंग हो तो जिससे आपको मालूम चल जाए। ये देखिए इंडिकेटर आ चुका है इसका बिल्कुल, और ये देखिए जो इसका रेक्टिफायर ब्रिज लगा हुआ है छोटा सा 350 वोल्ट, उस पर भी आ चुके हैं। तो मशीन हमारी बिल्कुल ओके हो गई दोस्तों लगभग। चलिए मशीन की सभी फिटिंग कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल काफ़ी आसानी से। तो दोस्तों बिल्कुल कोई खर्चा हमारा आया नहीं इसके अंदर, मात्र 1 रुपये की रेजिस्टेंस आपको इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर में आपको मिल जाती है स्टोर के ऊपर, और आपको नंबर के हिसाब से कैलकुलेट करके रेजिस्टेंस ले लेना है। तो दोस्तों देखिए मशीन बिल्कुल चल रहा है, आवाज़ भी अच्छा आ रहा है इसका बिल्कुल साइलेंट, और कटिंग भी अच्छा कर रहा है बिल्कुल। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी टाइप के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त भारत जांगिड। तो दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा और कोई आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी टाइप के किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।